अरे रुक ना, मोबाइल से ले ले। अरे वो घुस जाएगा क्या? इधर उधर देख के जाना। बड़े मैन नहीं, बड़े बॉय। चले रोल रोल रोल। हाँ प्रभु जी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है, आज बर्थडे है, जन्मदिन है आपका, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? इतने लोग आपको आशीर्वाद देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? बस इस मौके और दस्तूर का जरूर फ़ायदा उठाऊंगा मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस तरह की खुशियां हमेशा ज़िंदगी में हम लोगों के बनी रहे। थैंक्स करूंगा मैं विनय आनंद जी को, जो हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, और इन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में की है, और बहुत प्यार करता हूँ मैं इनको, और इनको देख के मुझे लग रहा कि मेरी जन्मदिन की खुशी बहुत बढ़ गई है। मानसी डोभाल, जिन्होंने अभी अपने देश का, बॉलीवुड का नाम फ्रांस में जाकर केन्स में इन्होंने जो है रोशन किया है, इनकी पिक्चर आ रही है, और पिक्चर का नाम जो है शादी अभी बाकी है। हमारी ढेर सारी शुभकामना विशेष कि खूब नाम कमाए, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और हमारी इनके लिए शुभकामना। नेहा हैं, ये भी बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं, एक्ट्रेस हैं, इनके लिए हमारी शुभकामना। शालू हमारे दीपक भैया हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत क्लब अंधेरी वेस्ट में बनाया है, और डेफिनेटली हमारी शुभकामना दीपक भैया के लिए है। अखंड भाई हैं हमारे, जो है देवेंद्र जी हैं, भैया हैं, सारे लोगों के लिए शुभकामना। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे दोस्तों के बीच में। जन्मदिन पे क्या इन लोगों को क्या तोहफा है? तो देंगे आपको, आप क्या तोहफा देना? रिटर्न गिफ्ट। इनके लिए दिल भी हाजिर है, जान भी हाजिर है, इनके जीवन में कहीं भी मेरी आवश्यकता है, हर जगह मैं इनके लिए खड़ा हूँ। पूरी तरह से प्रमोद गुप्ता 100% इनके साथ खड़े हैं। और क्या तोहफा ये चाहते हैं, जो भी इनके मन में हो मैं वो सब पूरा करने वाला हूँ। दो दिन बाद कल या परसों जी ईद आ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ईद के लिए हमारी बहुत सारी मुबारकबाद, हमें
पूरे हिंदुस्तान को, हमारे सभी हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी भाइयों को। मुझे लगता है कि ये त्यौहार इतना खूबसूरत त्यौहार है जहाँ पे किसी तरह का मतभेद नहीं होता है, किसी तरह का मनभेद नहीं होता है। और हम बहुत ढेर सारी शुभकामना करते हैं कि हमारे देश में हम सभी मिलके ऐसे ही रहें और हर रोज़ हमारी ईद हो, हर रोज़ हमें वो खुशियाँ मिलें जो ईद के दिन मिलने वाली है। ढेर सारी मुबारकबाद हमें सभी दोस्तों को। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी मीडिया को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं आया हूँ, आज हमारे प्रमोद भैया का जन्मदिन है और सबसे पहले मैं प्रमोद जी को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं यही कहूंगा कि प्रमोद भैया जो हैं, इनसे हमारे पारिवारिक ताल्लुकात हैं। ये इनका मेरा रिलेशन अभी से नहीं, कुछ 15-16 साल से है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाला था तब से मेरी इनकी दोस्ती है और दोस्ती में क्या कहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं ये। और पता नहीं इनके अंदर मुझे एक नेता नज़र आता है और मैं इनकी छवि इतनी अच्छी है कि मैं इन्हें हमेशा कहता हूँ कि भैया मेरी इच्छा है कि आप जल्दी नेता बनिए और ये पता नहीं मेरी इच्छा जल्द से जल्द ये पूरी करें। और एक नेक दिल इंसान है, सबके लिए इनके मन में प्यार है, अच्छी भावना है, अच्छी सोच है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। क्या धमाल करने वाले हैं आप नेताजी के जन्मदिन पर? हम तो अब तो भैया के जन्मदिन बाद तो भाई जश्न हुई और सभी लोग डांस करी हैं, खुशी मनाई है और बस इनका के सभी लोग, हम ये कब के जितना बड़का लोग यहाँ बाड़न उम्र में, सभी लोग इनका के आशीर्वाद दी, शुभकामनाएं दी और हमरो शुभकामना इनके साथ बा। ईद आ रहा है 2 दिन के बाद, क्या कहना चाहिए? सभी हमारे भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत खुशी से मनाइए सभी लोग ईद। और बहुत खुशी होती है कि हमारे जितने भाई हैं, साल में सबसे बड़ा त्यौहार होता है ईद और ये एक ऐसा खुशी का मौका है कि पूरे देश को मनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। और मेरे जितने भी भाई हैं जो देख रहे हैं, मैं सभी को बहुत 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 तहे दिल से ईद मुबारक करता हूँ। मानसी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कितनी खुशी हो रही है जन्मदिन पे और क्या कुछ स्पेशल तोहफा आपके आपके तरफ से उनके लिए, प्रमोद जी के लिए? प्रमोद जी को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। वो बॉम्बे आए हुए हैं, यही हम सबके लिए एक हमारे लिए गिफ्ट ठहरे थे उन गिफ्ट की, वो बॉम्बे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं इस साल। एंड प्रमोद जी को जो गिफ्ट चाहिए वो उनके लिए ऑफकोर्स इट्स ऑलवेज हाजिर। एंड अभी तो यहाँ पार्टी शुरू हुई है, सो लेट्स सी। मानसी, 2 दिन बाद ईद आ रहा है, क्या कहना चाहिए? ईद में सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है इंडिया में, तो उसकी नेशनल हॉलीडे है। पहले आई थिंक 6th को होने वाला था, अब 7th को हो गया है। तो बस यही है कि चांद, हाँ पता नहीं अभी आज चांद निकला है कि नहीं निकला, सो लाइक दैट। बट ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। मानसी, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या है? मेरी पिक्चर है शादी अभी बाकी है, जिसमें प्रेम चोपड़ा जी हैं, संजय मिश्रा हैं, तो वो पिक्चर अभी पूरी तरह से कंप्लीट है। इसमें संजीव दर्शन का म्यूज़िक है, एक गाना श्रेया घोषाल ने गाया है, एक सोहम ने गाया है, कृष्णा ने गाया है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक पिक्चर है जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रोमांस और बहुत ही डिफरेंट किस्म की पिक्चर है। तो पिक्चर अभी कम्प्लीट हो गई, उसको हमने कांस फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग भी की थी, तो लोगों को बहुत पसंद आया, हमें काफ़ी उसके अवार्ड्स, क्रिटिक अवार्ड्स मिले और बहुत आर्टिकल्स छपे बॉम्बे टाइम्स, DNA, इधर उधर मीडिया में, तो हमें लोगों का बहुत प्यार मिला। तो फिल्म फेस्टिवल्स में ये पिक्चर ऑलरेडी चर्चा में, तो बस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पिक्चर अक्टूबर में रिलीज हो जाए और फिर मैं जैसे हर किसी को बोलती हूँ शादी ही बाकी है, तो बोलती तुम्हारी भी, हाँ मेरी भी, तो हाँ मेरी भी शादी अभी बाकी है और पिक्चर भी की भी अभी डेट बाकी है, रिलीज डेट जो हम चाह रहे हैं कि अक्टूबर में पिक्चर रिलीज हो जाए। तो मूवी की खास बात यह है कि इस पिक्चर में, एक पिक्चर के अंदर 3 अलग एंडिंग्स हैं, जो पहली बार ही बॉलीवुड में आएगा कि एक पिक्चर के अंदर 3 अलग डिफरेंट एंडिंग्स हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट पिक्चर है बॉलीवुड के लिए, कोई आम नॉर्मल पिक्चर नहीं, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप डिफरेंट मूवी है। तो हम वही चाहते हैं कि लोगों को हमारी पिक्चर पसंद आए, अच्छी लगे, सो उसी में हमारी सारी होप्स हैं। प्रमोद जी, मेरे बड़े भाई जो आज के दिन यहाँ पे हैं, वो सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको ईद की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी भाई साहब,
नेहा क्या धमाल करने वाली है आप? जो मेरे भाई चाहे वही धमाल कर देंगे आज तो। क्या अगर बर्थडे गिफ्ट की बात करें तो क्या स्पेशल देने वाली? एक बहन की तरफ से हर वो तोहफा जो भाई चाहे बर्थडे पे हाजिर है। थैंक यू। हो जाएगा तो हट जाना। हो गया। हेलो जी, आपके बीच में आपको विश करने आए हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले धन्यवाद करूंगा सावन जी को और संभावना जी को, अविनेश जी, अविनाश जी को, जो हमारे बर्थडे में आए हैं। और इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और मैं चाहूंगा कि जैसे आज मैं खुश हूं, उसी तरह यही खुशियां सावन जी को, संभावना जी की ज़िंदगी में रोज़ बनी रहे। और ईश्वर करें इसी तरह हर साल हम लोग मेरा बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा सर को, संभावना मैडम को, भैया को, अखंड जी को, सभी लोगों को धन्यवाद। सावन जी क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा बर्थडे देखकर पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये कि आप हर साल क्यों मनाना चाहते हैं, हर रोज़ क्यों नहीं मनाते? कुछ ऐसा नया करो ताकि लोगों को याद रखे। और देखिए क्या है, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास खड़ी है तो ये ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, आप इनसे लीजिए। सावन जी, दो दिन बाद ईद आ रहा है तो ईद मैं सारे मुसलमान भाइयों को और उन हिंदू भाइयों को भी ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। बिकॉज ये हमारे देश का त्यौहार है, हम हिंदू भी मिलकर सब ईद मनाते हैं और ईद के दिन बहुत मज़ा आता है। इतना कुछ खाने को मिलता है, इतना कुछ मज़ेदार चीज़ें मिलती है, तो हम भी ईद के लिए मैं ये बोलते हैं इंसान की ईद हर रोज़ आए। संभावना जी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रमोद जी को उनके बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत सालों से प्रमोद जी को जानते हैं और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ कि इनके बर्थडे पे यहाँ आने का मौका मिला, इन्हें विशेस देने का मौका मिला। बहुत ही अच्छे इंसान हैं ये। काम में तो तरक्की हर कोई करता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और प्रमोद जी बहुत अच्छे इंसान हैं। सो आई कैन ओनली विश हिम गुड लक फॉर हिज फ्यूचर एंड वेरी बेस्ट विशेज फॉर हिज बर्थडे। क्या धमाल, क्या कुछ धमाल करने वाली संभावना इनके जन्मदिन पर? अब धमाल हमने क्या करना है, धमाल आ गए, धमाल ही धमाल है। और अभी बहुत सारे लोग और आने बाकी हैं, फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ कि बहुत सारी फ्रेंड्स यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग। सावन जी साथ में हैं और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है जब हम सावन जी के साथ खड़े होकर हम लोग ये सब बात कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बड़े हस्तियों के साथ हम लोग हमें यहाँ खड़े होकर बात करने का मौका मिल रहा है। संभावना, दो दिन बाद ईद आ रहा है जी। ईद का मतलब है हमारे लिए तो बहुत सारी बिरयानी, मिठाइयाँ, सेवियाँ और ऑब्वियसली जैसे अभी सावन जी ने बोला कि सभी हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स, सारे हिंदू फ्रेंड्स, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईद इंजॉय करिए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी ईद। और जितने मन मुटाव हैं वो दूर कीजिए और ईद का भरपूर मज़ा लीजिए। थैंक यू।
आए हुए हैं आपका आपके जन्मदिन पर, बधाई देना क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मुकेश जी को, जितने बड़े एक्टर हैं उतने ही खूबसूरत और अच्छे दिल के इंसान हैं, और हमारी जन्मदिन पे आकर के चार चांद इन्होंने लगा दिया। मेरे पास शब्द नहीं है, स्पीचलेस हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहूँगा कि आज जो खुशी मुझे इस जन्मदिन की मिल रही है, इनकी ज़िंदगी में रोज़ यही खुशियाँ ईश्वर दे, और ये इसी तरह से खुश रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही सब पूरे हिंदुस्तान को एंटरटेन करते रहें, और डेफिनेटली हमारी दोस्ती जो है ऐसी बनी रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके लिए। को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई को। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने जन्मदिन के लिए दोस्तों के कहने पे ही रुके, जाने वाले थे, बाहर जाने वाले थे, लेकिन दोस्तों ने कहा कि रुक जाइए, हम साथ में बैठेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो उसमें मुझे भी मौका मिला। तो आज के दिन मैं इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और इनकी सारी मनोकामना पूरी हों, जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं, और बहुत कामयाब इंसान हैं, और जो भी करना चाहते हैं आगे उनको अच्छा रास्ता मिले और कामयाब हों, यही मेरी दुआ है सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोग आए। हाँ, मैं सब अपने भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतने दिनों बाद चांद दिखने वाला है, तो आप सबको चांद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। माइक डालो भाई, भाई घूम डालो भाई। हाँ हाँ हाँ, हट जा, चलो यहाँ से थोड़ा पीछे जाओ ना, प्लीज थोड़ा सा पीछे जाओ। हाँ हो गया, हो गया। चांद लगा दिया हमारे इस सेलिब्रेशन को, तो इनके लिए तो बहुत सारी विशेष है। और सम्राट सरकार जी इतने यंग एज में जिस तरीके से काम कर रहे हैं सिंगिंग की दुनिया में, और जिस तरह से हिंदुस्तान का और बॉलीवुड का नाम इन्होंने इंटरनेशनली फेमस किया है, और लोग जिस तरह से लोगों को ये दीवाना बना रहे हैं, यकीन मानिए बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे दोस्त हैं। और जिस तरीके से ये नाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ईश्वर करे जैसे आज मुझे बर्थडे पे मेरी मुझे खुशी मिल रही है, तो वही खुशी इनके जीवन में रोज़ रोज बनी रहे, और खूब खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे ही हर हमेशा हमारी दोस्ती बनी रहे। प्रमोद जी का बर्थडे हो, मैं कहीं भी हूँ और वो बॉम्बे में है, सबसे बड़ी बात है, और मैं ना हूँ ये पॉसिबल नहीं था, तो आई हैड टू मेक इट। आई मस्ट से बहुत हम लोग को मज़ा आ रहा है सबको, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई हुई है यहाँ पर, और कमाल की बात है हमारी इंडस्ट्री के भी काफ़ी काम करते रहते हैं दुबई में, लखनऊ में भी, इज़ ऑल्सो वेरी एस्टैब्लिश्ड पर्सन, और मैंने इनके खास शो भी किए हैं दुबई में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्ती एक अलग रिश्ता है हमारे, और सामने ईद है कल, तो आज ये मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं वो चार चांद लग गया ईद के ऊपर कि भाई का आज ही हो गया, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत एकदम कमाल है। एटमोसफियर अच्छे, आप लोग सब एंजॉय कीजिए, भाई को बहुत बहुत तहे दिल से हम विशेज है दैट ही कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी। क्या अगर कुछ विशेष तोहफे की बात करें तो प्रमोद जी को तोहफा कुछ गुनगुना के तोहफा जी कुछ गुनगुना नहीं कुछ गुनगुना दें दो लाइन इनके लिए, यही हमारे लिए तोहफा है। अच्छा भाई के लिए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग किया, वो गा देता हूँ थोड़ा सा। तू इश्क मेरा है, चाहत है मेरी, तू पास मेरे है, किस्मत है मेरी, भीगे तेरे लबों से
ये नरमियाँ चुरा लूं सांसों को तेरी छू के, ये गर्मियाँ चुरा लूं, ये क्या बात है, क्या बात है। सपना डाके आखिरी सवाल चलते चलते, बर्थडे पे अगर कोई गाना आप प्रमोद जी के बर्थडे पे गाना गाना चाहें, जन्मदिन का क्या गाना गाएंगे? जन्मदिन का वही गाना, तुम जियो हजारों साल बस यही है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोग भी गा सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, जोर से हैप्पी बर्थडे टू प्रोमो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सलमान रितेश आइए आइए, आपकी बाइक हो जाए, सलमान की बाइक हो जाए, हमारे गरीबों के सलमान है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? आप बीच में। मैं जन्मदिन की बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह से हसमुख नेचर के हैं और जितना बीइंग ह्यूमन नेचर है इनका, मतलब मैं इनसे पहली बार मिला और मैं इनके मतलब बीइंग ह्यूमन नेचर से मतलब मैं प्रभावित हो गया कि वो किस तरह से मिलते हैं और एकदम उन्होंने हमको इस तरह से समेट लिया जैसे कि हम छोटे भाई हों। तो इतना प्यार दिया उन्होंने, एक ही दिन में उन्होंने अपना बना लिया और हमें लग ही नहीं रहा कि ये एक फैमिली जैसा फील कराते हैं। प्रमोद जी को मैं आगे मतलब उनके फ्यूचर बहुत अच्छे से आगे बढ़े और बहुत उनको समृद्धि मिले, सुख मिले, है ना, इस तरह की कामना करते हैं। सलमान मतलब आज एक ईद आज भी और एक जी हाँ मतलब डबल डबल ईद आपको मिठाई। जी हाँ हाँ, तो दुबई के हिसाब से मैं इनको ईद मुबारक आज देता हूँ, ईद मुबारक। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे ईद आने वाली है? ईद ईद में मैं सभी को मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया, दुबई, यूएई, पूरे वर्ल्ड को ईद की बधाई देना चाहता हूँ कि ईद मुबारक हो और ईद में सुल्तान देखने ज़रूर जाइए। पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन ये है जिससे कि हम लोग भी यहाँ पे करीब आए। दूसरा ये कि वाकई में अगर ईद अगर आज दुबई में है तो एक ईद यहाँ भी है क्योंकि हम आपके साथ ना। तो ईद की बधाई आप लोगों को और आपको हमारी खुशियों को दुगना कर दिया आपने। आप बहुत बड़ी फीचर हैं प्रमोद जी को। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके बर्थडे पे। मैं सिंगर हूँ अभी, नया नया सॉन्ग मैंने बनो गाया है तनवीर स्मृति, और गाते जाएंगे। प्रमोद जी से इसलिए मिलने आए हैं कि ये पहली मुलाकात है लेकिन बहुत ही शुभ दिन है, तो आपको हमारे लिए सारी शुभकामनाएं और तरक्की करें सभी लोग, सब लोग आगे बढ़ें, दुनिया खुश रहे, हम भी खुश रहेंगे, तो ज़रूरी वो है। गॉड ब्लेस ऑल। बन्नों का एक लाइन दो मैं। हाँ श्योर, ये लाइन घर घर में है, मैं गाऊँगा ही। गुड़ 3600 गोल्ड तेरे ना सिल्वर ना कॉपर, हाथ लगा दे जिस सब्जेक्ट में उसमें निकले टॉपर, उड़ जाए अपनी हवा थाम के पंख निकल जाए प्रॉपर, बनने पे एहसान तेरा मान लिया जो ऑफर, सुने नहीं जिद करे करारी उस पर ये होशियारी, जुगनी दुगनी धार कटारी कटारी, आरी जारी समझ नहीं आरी, भागेगी गली में सारी, कर लो जी भरपूर तैयारी तैयारी, कूद फांद कर दी है, छलांग मार दी है, दिखती नहीं रिलैक्सिंग। कम ऑन एवरीवन। बन्नो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बन्नो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी।
थैंक्स करना चाहूँगा। बहुत खुशी का दिन आज मेरे लिए, हमारी बर्थडे है और इनके आने से खुशियाँ बहुत दुगुनी हो गई है। आई एम रियली इंजॉइंग सो मच और बहुत दिल से धन्यवाद। जैसे आज मैं खुश हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ रोज़ इसी तरह खुश रहें और इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस और ये हॉलैंड से हैं, सी इज़ फ्रॉम हॉलैंड विनीता, और बॉलीवुड में बहुत बड़ी धमाल करने आ रही हैं। बहुत सारी सरप्राइज है जो इन्होंने अभी बॉलीवुड के लिए, हिंदुस्तान के लिए और इंटरनेशनली रखा हुआ है। और हमारी विशेष है इनके साथ, 2017 में बहुत बड़ी सुपरस्टार बन के हमारे सामने आए और इनके लिए जहाँ पे इनकी ज़रूरत है आई एम ऑलवेज विद हर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स यू गेव मी। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। अच्छा तुमने पूरा लिया है क्या? स्माइल प्लीज। राम ठीक कटवा के खत्म करो ना, देर हो रहा है आपके पास बोल ना। यहाँ पे नहीं होगा बैठ, कौन है? आनंद नारायण मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय प्रमोद जी और आदरणीय ताला, ये तो अपने घर परिवार के सदस्य रहे हैं वर्षानुवर्ष। मे गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। अभी अभी उस पर नहीं, जिस वक्त आएगा तो उस वक्त मिलेगा। हाँ जिस वक्त वो हाँ हाँ जिस वक्त उस वक्त आएगा उस वक्त मैं कहता हूँ उसका। अब तो दुआएं पड़े जा रही हैं, अब वो समय है और जिस वक्त चांद निकलेगा। Supposed